नमस्ते मास्टर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच काजल मैम हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल जी, बिल्कुल, आपने मुझे बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर काजल तेरी जी। आप इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑफिसर हैं और 2000 असिस्टेंट ऑफिसर हैं, सॉरी, अब 2017 से पीसीएसएम से जुड़ी हुई हैं, जनकपुरी दिल्ली में रहती हैं। और काजल जी ने स्वाध्याय क्यों चुना, इसके बारे में हम डॉक्टर तेहरी से ही सुनना चाहेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वॉल्यूम क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताइए। यस यस जी, बिल्कुल ठीक। यस यस तो मेरी ध्यान की जर्नी, जैसा कि प्रज्ञा जी ने बताया, 2017 में शुरू हुई थी। और मतलब कोई, जैसे होता है ना, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, आप तब ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मेरे केस में सब बिल्कुल भी नहीं था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं था। लेकिन एक खालीपन था जो कि किसी भी चीज से नहीं भर रहा था। मुझे समझ नहीं आता था। मैं भागती थी किसी किसी चीज के, हमेशा भागती थी। कभी कभी किसी ऊंची ऊंची पोस्ट मिल जाए उसके लिए भागना, ज्यादा क्वालिफिकेशन हो जाए उसके लिए भागना। तो ये भागना चलता रहा। और जब मैंने पीएचडी कर ली, फ्रेंड्स, जिसमें जिससे कि आप, वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट डिग्री है जो आप ले सकते हैं एजुकेशन में, तो जब मैंने वो भी कर ली तो मुझे लगा कि तो मुझे अभी भी कोई खुशी नहीं मिल रही। अभी भी वही खालीपन है जिसको मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ बाहर से। और वो मोमेंट मेरी लाइफ में एक चेंज का मोमेंट था। और उस मोमेंट ने मुझे बताया कि अब बाहर तो बहुत भाग लिए, अब थोड़ा सा अंदर भाग के देखो। तो मैं ध्यान से जुड़ गई, बस ऐसे ही। कोई बहुत होता है ना, किसी को बहुत तकलीफ होती है तब वो ध्यान में आता है, बस ऐसे ही मेरा बहुत सिंपल सा शुरुआत हुआ। इनफैक्ट मैं पत्री सर को भी बोलती थी कि सर, मेरे पे मेरी कोई स्टोरी नहीं है ध्यान की। तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस लिख के दो स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन के लिए। तो वो मैंने किया। तो फ्रेंड्स, मैं अब ध्यान करना शुरू किया तो सपने, हर समय ऐसे सपने आते थे कि मैं बहुत सारी किताबों से घिरी हुई हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत सारी किताबों से घिरी हुई हूँ, लेकिन मैं वो किताबों को देख नहीं पा रही, पढ़ नहीं पा रही उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। मुझे सब कुछ दिख रहा है कि इस बुक के अंदर क्या हाईलाइट किया हुआ है, क्या अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पा रही। और ये मुझे एक छटपटाहट होती है ना, जैसे मुझे मेरे अंदर वो छटपटाहट थी कि क्या लिखा हुआ है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ। बहुत समय तक मैं समझ नहीं पाई कि ये क्यों हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब मैंने कुछ कुछ मास्टर्स से डिस्कस किया, तो मुझे, और पढ़ने का शौक भी मुझे बहुत था, तो मुझे ये समझ आया, मुझे ये गाइडेंस मिली कि आपको किताबों में छुपा हुआ ज्ञान सब लोगों तक पहुंचाना है। तो इस तरह से मेरी ध्यान की और स्वाध्याय की जर्नी स्टार्ट हुई। शुरू शुरू में एक दो छोटे छोटे मैसेजेस भेजती थी व्हाट्सएप पे, वो उसके बाद बढ़कर स्वाध्याय सीरीज में अपनी नॉलेज को शेयर करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ मास्टर्स की, क्योंकि हमारे सभी ध्यानियों के जीवन का यही प्रिंसिपल है, फ्रेंड्स, यही प्रिंसिपल है कि जो आपको मिले वो आपको बांटना है। कुछ दिन पहले पत्री सर का भी ये मैसेज आया था कि आप, पत्री सर का था या कहीं और किसी इसी अपने ध्यान के ग्रुप पर ही मैसेज आया था कि जो आपको ध्यान, जो आपको मिला है, आप अपने गुरु का ऋण कैसे चुका सकते हैं। अपने गुरु का ऋण आप चुका सकते हैं, जो आपको मिला है उसको आप बांटते हैं, तब उस ऋण को आप चुका पाते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत मजेदार जर्नी रही। मतलब एक सेटिस्फेक्शन आई लाइफ में, जो लाइफ में बिल्कुल नहीं। अपने आप को कहीं कभी कभी शॉपिंग से फिलअप करने की कोशिश करना, कभी बहुत पढ़ाई करके फिलअप करने की कोशिश करना, लेकिन वो फिलअप में कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब ध्यान आ गया और जब बांटना आ गया ज्ञान को, तो ऐसा लगा कि हाँ, शायद मैं इसीलिए आई थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अर्थ पे। थैंक यू, ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। प्रज्ञा जी, ओवर टू यू। थैंक यू काजल जी, ये बहुत खूबसूरत ऋण है जो आप उतार रहे हैं। आप इनके जो स्वाध्याय है, पीएमसी हिंदी में आप जाएंगे तो आपको कई बुक्स का स्वाध्याय करते हुए पाएंगे। आप कई बुक्स पे किया है इन्होंने। तो फ्रेंड्स, आप और भी बुक्स का सुनना चाहते हैं तो पीएमसी में जाइए, हिंदी में, और स्वाध्याय टाइप करिए तो
तो आपको इनके बिल्कुल सामने आ जाएगा, काजल जी ने जितनी बुक्स का करा हुआ आपके सामने आ जाएगा, और भी मास्टर्स ने करा हुआ है। तो थैंक यू काजल जी, अब हम चाहेंगे आप हमें बताएं ये मैसेजेस कैसे हैं। हाँ, लेकिन पहले हम ध्यान करेंगे, आई गेस। यस, या यू आर राइट। फ्रेंड्स, हम इस मैंने इस सेशन के लिए रिक्वेस्ट किया कि हम लोग पहले ध्यान करें, और इसका कारण ये है कि हम इस बुक के थ्रू मास्टर्स की ऊर्जा से कनेक्ट होने वाले हैं। हमारी खुद की ऊर्जा कैसी है इस समय, क्या हम रिसीव करने के मोड में हैं? तो पहले हम ध्यान के द्वारा रिसीव करने के मोड में आते हैं। प्रज्ञा जी, आप म्यूजिक प्ले कीजिए। यस यस जी, रश्मि जी। यस मैम। यस सर, मैं कोई भी आप कर दीजिए सुंदर सा। काजल जी, आप कैसा पसंद करेंगे म्यूजिक? कोई भी अच्छा सा म्यूजिक चला दीजिए। लाइट सा कोई? मैं अपना वीडियो ऑफ रखूं या ऑन रखूं? आपकी मर्जी। वीडियो ऑफ रखिए, ध्यान के समय वीडियो ऑफ रखिए। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो उतार सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन ले लें फ्रेंड्स, थोड़ा पानी पीना चाहते हैं तो पी लें। म्यूजिक ओके? म्यूजिक ठीक है। राधे राम, आपकी आती हुई सांस जब हम खाली होंगे तभी हम मास्टर्स के मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। Thank you.
मन शांत, कोई विचार नहीं, अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, हर एक श्वास को साक्षी भाव से देखें। महसूस करें फ्रेंड्स, श्वास श्वास से ध्यान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, निर्वाण। कहीं नहीं जाना फ्रेंड्स, स्वयं के तरफ। अपने भीतर उतरे, बहुत भटक लिए, घूम लिए, अब अंदर की यात्रा करनी है। ना भूत ना भविष्य, सिर्फ वर्तमान क्षण में रहना ध्यान है। विचारों का पीछा ना करें, प्राकृतिक श्वास से एक हो जाएं इन कोमल श्वासों के साथ। Thank you.
हमारी बेस्ट फ्रेंड। एक हो जाए श्वासों के संग,
5 4 3 2 1 0। धीरे से दोनों हाथों की उंगलियां अलग करें और हथेलियां अपनी आंखों पर रख लें। जो ऊर्जा आई है पूरे चेहरे में शरीर में समा जाए और एक सुंदर से स्माइल के साथ आंखें खोल दे। फ्रेंड्स, सभी ध्यानियों का आभार। थैंक्स, थैंक यू प्रज्ञा। सभी ध्यानियों धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू दी। थैंक यू काजल जी। थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा दीदी। ये सुंदर ध्यान के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा दीदी। थैंक यू। थैंक यू जी। अब चलेंगे, एक म्यूट कर दें।